महिला को अगवा करके गैंगरेप किया गया, जहां पर विजयनगर से महिला को ऑटो में अगवा किया गया है। NH24 पर ऑटो चलते ऑटो में यहां पर महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद महिला को ऑटो से फेंक कर यहां पर गैंगरेप करने वाले अपराधी फरार हुए। हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में महिला को फेंका गया है। हापुड़ पिलखुआ पुलिस यहां पर फिलहाल मुकदमे को दर्ज कर चुकी है। मुकदमा दर्ज कर महिला का मेडिकल कराया गया है। तो गैंगरेप के बाद महिला को चलते ऑटो से फेंका है। हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में महिला को फेंका गया है। हापुड़ पुलिस ने यहां पर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कर महिला का मेडिकल भी कराया गया है। गाजियाबाद से महिला को अगवा किया, गैंगरेप हुआ। विजयनगर से महिला को ऑटो में अगवा किया गया है। तो NH24 पर चलते ऑटो से यहां पर महिला को फेंका है, गैंगरेप किया गया और गाजियाबाद से महिला को अगवा किया गया था। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ महिला को ऑटो में अगवा किया जाता, उसके बाद चलते ऑटो में महिला के साथ गैंगरेप और उसके बाद फिर महिला को ऑटो से फेंक कर यहां से अपराधी फरार हो जाते हैं। महिला को अगवा करने के बाद गाजियाबाद से उसके साथ गैंगरेप किया, उसके बाद उसे हापुड़ में फेंका है। हालांकि अभी तक पुलिस यहां पर उन अपराधियों को पकड़ने की खोजबीन में जुटी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। महिला को अब फिलहाल मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और महिला की तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और तकरीबन यह भी कहा जा रहा है कि 4 घंटे महिला जो है वो पुलिस के चक्कर काटती रहती, जिसके बाद जाकर पूरा मामला दर्ज किया जाता है। NH24 पर चलते ऑटो से यहां पर महिला से गैंगरेप हुआ। तो अभी तक फिलहाल ये आरोपी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। गाजियाबाद से महिला एक ऑटो में बैठी थी और ऑटो चालक समेत उसके दो दोस्त भी उस ऑटो में सवार हुए थे, जिसके बाद इस महिला को अगवा करने के बाद उसके साथ गैंगरेप करने के बाद उसे फेंक कर वहां से फरार हो गए हैं। विजयनगर में ऑटो में अगवा किया गया था और उसके बाद ये महिला जो है वो पुलिस के पास पहुंची है। पुलिस के पास जाकर सारी आपबीती बताई है। हालांकि पुलिस ने 4 घंटे तक महिला को इंतजार कराया, उसके बाद जाकर महिला केस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है। तेजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र, यहां पर महिला की मुकदमा दर्ज करवाने के बाद पुलिस अभी क्या स्टेटमेंट दे रही है, कितना वक्त अभी लग सकता है अपराधियों को पकड़ने में? शिवांगी, मैं आपको बताना चाहूंगा सीधे तौर पर अभी अपराधी खुले हुए हैं। पुलिस गिरफ्तार की बात तो कर रही है, मैं पुलिस के हाथ में तक खाली है। जो युवती है ये नोएडा से चली थी और गाजियाबाद में टेम्पो में बैठ के हापुड़ आ रही थी, तभी ये 3 युवकों पर रेप का आरोप लगाया है, मगर पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली नजर आ रहे हैं। हापुड़ में दिन पर दिन महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में महिला पर काफी अत्याचार हुए हैं, पुलिस के हाथ कई मामलों में खाली दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो अभी तक पुलिस के हाथ हालांकि खाली ही हैं। इस पूरे मामले में पुलिस जांच की बात कहती दिख रही है। महिला ने इस पूरे मामले में जानकारी दी है पुलिस को, इसी के साथ वो ऑटो नंबर और इसी के साथ वो लोग कैसे थे, उनका हुलिया कैसा था, उनके स्केच यहाँ पर बनवाए गए हैं। महिला ने उन लोगों के हुलिये के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद पुलिस उन्हीं के आधार पर उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश फिलहाल अभी कर रही है। तो चलते ऑटो से यहाँ पर महिला को फेंका गया है। NH24 पर यहां पर महिला के साथ गैंगरेप और उसके बाद महिला ऑटो से फेंककर अपराधी फरार हुए हैं। अभी तक हालांकि पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। और फिरोजाबाद से अगली खबर है, जहां पर अज्ञात युवक का शव मिलने से